जी तो दोस्तों, इसमें आज हम जो ना डिस्कस करेंगे, ये जो लैपटॉप आजुकात, ये इनकी बूटिंग बहुत स्लो होती है। जब इनको यहाँ से हम ऑन करके देखते हैं तो बहुत स्लो लोडिंग होती है इनकी विंडोज़ की। तो हालांकि अच्छा है, i5 है असूस वालों का, ठीक है, तो लेकिन इसकी जो विंडोज़ 10 है इसमें, लेकिन ये काफ़ी टाइम लेता है स्टार्ट होने में, यानी कि डिस्प्ले आने तक, आइकॉन्स आने तक, डेस्कटॉप जब तक शो नहीं इसका होता, तो बहुत ज़्यादा ये टाइम ले रहा है। तो होता क्या है कि इसका जो ना बड़ा आसान सा हल है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने कैसे इसको क्लियर करना है, इसके अंदर जो किस जगह जाके आपने इसको इसका हल किया है, बगैर विंडोज़ दोबारा इंस्टॉलेशन किए इसको कैसे जो है ना आप सही कर सकते हैं। तो चलें हम देखते हैं, इसको ऑफ़ करते हैं सबसे पहले। यहाँ से इसको दबा के रखें आप 5 सेकंड के लिए, हमारा जो लैपटॉप है बिल्कुल ऑफ़ हो जाएगा। तो अभी हम जो है इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद जो है इसको हम यहाँ से सबसे पहले इसकी बैटरी जो है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, यहाँ से। इसके अंदर बैटरी निकाल दी है, और ये इसका जो नीचे हार्ड और रैम का एरिया होता है ये वाला, तो इसको जो है हम खोलेंगे। इसके जो है स्क्रू जो है, यहाँ से हम जो है ना इसको खोल लेंगे। एक ये आ गया इसका, ये हमने खोल लिया इसका। अब ये नीचे से इसका जो है ना ये वाला हम ये खोल लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी रैम लगी हुई है, इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है ना, और ये नीचे वाली रैम भी हम निकाल लेंगे ऐसे ही इसकी। उसके बाद हमने करना क्या है कि इसकी जो हार्ड डिस्क है इसको हम खोल लेंगे, इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो अभी इसका हम देखते हैं, इसके पेच लगा हुआ है एक, ठीक है, वो हम खोल लेते हैं यहाँ से ऐसे। आमतौर पे 3-4 पेच इसके लगे होते हैं, लेकिन हम इसका ये खोल लेते हैं, हमें इसको ऐसे ओपन कर लेना है। तो नाज़रीन, अब आपने करना क्या है कि आपने ये जो रैम है, ये आप देख रहे हैं इसके थोड़े से पॉइंट्स जो हैं डर्टी हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं सारे इसके, ये आपने किसी ड्राई टिश्यू से साफ़ कर लेने हैं। उसके बाद आपने जो है ये हार्ड डिस्क के जो पॉइंट्स हैं आपको नज़र आ रहे, ये पावर का और डाटा का, ये आपने जो है टिशू से, किसी खुश टिशू से साफ़ इसको कर लेना है और दोबारा इनको फिट कर देना है, तो आपका जो लैपटॉप है वो बेहतरीन स्पीड में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।